नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद पुलिस ने सेक्टर 30 पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें शहर के दर्जनों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और देश की आजादी के रियल हीरो की तस्वीर बनाई। ये तस्वीरें बच्चों ने ड्राइंग सीट पर ही नहीं, टी शर्ट पर भी बनाई। पूरा देश 15 अगस्त पर 70 साल आजादी के पूरे होने की खुशी में 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को पूरी तैयारियों में जुट गया है। चारों ओर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में अपना योगदान देते हुए फरीदाबाद पुलिस ने पहली बार पहल करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें शहर के कई स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आज़ादी के दीवाने रियल हीरो की तस्वीरें बनाई, जिसमें शहीद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित भारत माता की तस्वीरें भी थी। इसके लिए पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये हमने जो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी फरीदाबाद के अंदर बनाई है, वहाँ पे आज जो आसपास के रहने वाले पुलिस लाइन के बच्चे हैं उनको बुला के एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर स्वतंत्रता दिवस का हमारा अवसर है। तो उसमें जो थीम हमने रखा है वो स्वतंत्रता दिवस का, और जो सोशली रेलिवेंट थीम्स हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आए थे और जो जजेस थे उन्होंने सिलेक्शन करके जिन बच्चों को प्राइज़ दिया है तो उनको हमने सम्मानित किया। बच्चों ने किस किस तरह के चित्र बनाए हैं स्वतंत्रता दिवस से संबंधित? बच्चों ने जो हमारे राष्ट्रीय हीरोज़ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया है और गांधी जी के बारे में बनाया है, भारत माँ की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर बच्चे ने बनाई है, और इस तरह के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाई। कितने स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें दरअसल 10 से ज़्यादा स्कूल हैं और करीब 100 से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने आज अलग अलग प्रकार से पेंटिंग्स बनाई है। अलग अलग साइज उनके दिए हुए थे, छोटे बच्चों का छोटा साइज, बड़ों बच्चों का फुल चार्ट पेपर पे। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पेंटिंग्स हैं इनको हम पुलिस स्टेशन के अंदर लगाएंगे और CP ऑफिस में, DCP ऑफिस में लगाएं, ताकि बच्चों को ये लगे कि जो पुलिस है वो हमारी दोस्त है और पुलिस से उनका जो दूरी वो समझते हैं वो भी कम हो सके। फर्स्ट टाइम ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, ये एक जो ना पुलिस और पब्लिक के बीच में सामंजस्य की भावना होती है,